भाई ये देखो जगह, तीन धारा, ये देख लो भाई संगम, भागीरथी, अलकनंदा रिवर। अलकनंदा बिल्कुल शांत है, भागीरथी थोड़ा सा शोर करती हैं। और रोड्स काफी सही है, बट हाँ लैंडस्लाइड भाई बहुत हो रखी है। ये गाड़ी भाई साहब खत्म है बिल्कुल भाई। अलकनंदा नदी का, वाह वाह मजा आ गया भाई। अलकनंदा रिवर के बिल्कुल बीच में बना हुआ है ये रहा। और ये मूर्ति यहाँ से शिफ्ट नहीं करनी है, एक बार इसको शिफ्ट किया था 15 जून 2013 में, और उससे नेक्स्ट डे केदारनाथ में सैलाब आ गया था भाई। नहीं नहीं नीचे ना लग जाए, टायर हवा में हो गया था भाई। और भाई एक और मान्यता है कि इन माता को ना ओपन में रहना पसंद था, तो देखिए व्यू बड़ा बढ़िया आ रहा है भाई। हाँ राफ्टिंग हो रही है काफ़ी, इस टाइम तो होती है, शाम तक होगी वो आ रही है राफ्ट्स। काफ़ी अच्छा खासा पानी है और मस्त व्यूज हैं, वेदर प्लेजेंट सा ही है, ज़्यादा गर्मी तो नहीं है। चले फिर, प्लेजेंट है, चलो भाई बहुत दूर जाना है, इतना रुक रुक के चल रहे हैं हम, शाम हो जाएगी पहुँचते पहुँचते। चलो गाड़ी गंदी होनी शुरू हो गई है। गंगा जी की अच्छे से दर्शन करा देते हैं, बोलो हर हर गंगे। देख कितना साफ पानी है ना यहाँ तक, बिल्कुल जबरदस्त ग्रीन सा कलर लग रहा है, जैसा स्काई का कलर है, बहुत साफ है इधर पानी। हाँ गंगा जी के साथ साथ चलना है, और फिर अलकनंदा जी के साथ साथ चलना है अपने को भाई। अपने को यहाँ से लेफ्ट लेना है और हम मिल जाएंगे उसी नेशनल हाईवे पे जो ऋषिकेश से जाएगा देवप्रयाग और आगे रुद्रप्रयाग तक। तो अब सामने हाईवे है पहाड़ के ऊपर, इस पे मिल जाएंगे और राइट लेंगे टुवर्ड्स देवप्रयाग। ये आ गया भाई हाईवे पे, मिल गए हम, श्रीनगर की साइड जाना है अपने को। चलो जी निकल पड़े हैं अब देवप्रयाग की तरफ, देखते हैं कितना टाइम लगेगा। डीजल लेना है बस अपने को, मेन काम ये है, हाफ टैंक हो रखा है वो लेते हैं। भाई अपडेट है, शिवपुरी में है पेट्रोल पंप इंडियन ऑयल का, तो अपन डीजल फुल करा लेते हैं और फिर चलेंगे भाई आगे। डीजल फुल होना चाहिए, पहाड़ों में कहीं रिस्क नहीं लेना चाहिए कि आगे मिले ना मिले। जनरली हाई पासेस जो होते हैं ना उन पे मंदिर बनाते हैं सेफ्टी के लिए, मतलब वही कि आशीर्वाद बना रहे, लैंडस्लाइड वगैरह ना हो। यहाँ पे भी बना रखा है एक मंदिर, ये बनाया हुआ भाई मंदिर, और यहाँ से व्यू बहुत ज़बरदस्त आता है पहाड़ों। भाई एक स्ट्रेचिंग ब्रेक के लिए रुक गए हैं, कब से बैठे हुए हैं, थक गए। और ये अपनी फेवरेट जगह है देखो। मत किया करो भाई ऐसे काम। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? इस रूट से आ रहे हैं हम, ये वाला लेके भाई। ओहो वहां देखो कहां कहां तक गांव बने हुए हैं भाई, कहां कहां रहते हैं लोग, कई दिन में उतर के आते होंगे ऊपर से। अच्छा एक बारी 2 मिनट भाई पैर वैर सीधे कर ले, उसके बाद अपन
चलेंगे आगे देवप्रयाग, बस आधे पौने घंटे में देवप्रयाग आ जाएगा। देवप्रयाग रह गया भाई 10.5 किलोमीटर मात्र, और तीन धारा जगह आ गई होगी आई थिंक। भाई ये देखो जगह, तीन धारा क्या लग रही है भाई। गंगा जी वहां से आ रही है, देवप्रयाग उस साइड है और इधर ऋषिकेश की साइड, जबरदस्त तीन धारा है भाई जगह का नाम। यहाँ राजमा वगैरह बड़े सही मिलते हैं, मस्त व्यू आ रहा है। इधर से इतनी दूर से नहीं होती राफ्टिंग, यहाँ कोई नहीं है, वहीं होती है पहले बस। पहुंच ही गए भाई देवप्रयाग। अब आपको दिखाते हैं संगम अलकनंदा और भागीरथी रिवर का। चलो यहाँ से देखते हैं, ये देख लो भाई संगम भागीरथी अलकनंदा रिवर। अलकनंदा बिल्कुल शांत है, भागीरथी थोड़ा सा शोर करती हैं, और वो संगम है वहाँ। वापसी में देखेंगे, नीचे जाएंगे और आपको वहाँ से दिखाएंगे। हर हर गंगे, क्या जबरदस्त लग रहा है भाई। भागीरथी रिवर आ रही है आपकी गंगोत्री से, और अलकनंदा आ रही है आपकी बद्रीनाथ से, तो अपने को इस साइड ही जाना है। और ये एक पहला प्रयाग है, इधर इस साइड से जाओ तो 5 प्रयाग आते हैं टोटल। तो चलते हैं, और वो मंदिर है रघुनाथ टेंपल, बहुत फेमस है वो मंदिर भी। चलेंगे वापसी में, चलें अब एक एक वीडियो बना लो, चलते हैं भाई। अब मज़ा आ गया दर्शन करके यहाँ से गंगा जी के। ये मतलब आप बोल सकते हो कि गंगा जी का एक, जहाँ पे गंगा बनती है वो है ये जगह, क्योंकि इससे पहले तो भागीरथी है और इधर से अलकनंदा है, और अलकनंदा में मंदाकिनी रिवर भी मिली हुई है, धौली गंगा भी, पिंडार रिवर भी, वो 5 प्रयाग आते हैं टोटल। अपन सारे प्रयाग तो नहीं देखेंगे वैसे, बट अपन अब देवप्रयाग के बाद चलेंगे रुद्रप्रयाग की तरफ, और उसके बाद अपन अलग रूट ले लेंगे केदारनाथ के साइड। चलते हैं भाई, ये रही अपनी गाड़ी, मस्त। चलो अब चलें भाई। देखो ये रास्ता, ये बोर्ड दिख रहा है ग्रीन वाला, क्या लिखा है इस पे? रघुनाथ मार्केट मंदिर जाने का रास्ता, ये यहाँ से जा सकते हो गाड़ी पार्क करके, यही गाड़ी। हाँ मैं तो आगे से गया था, आगे से एक और रास्ता में गाड़ी नीचे तक चली जाती, बाकी ये रास्ता है नीचे तक जाने का घाट तक। ये आ रही है भाई भागीरथी रिवर, जो कि आपकी गंगोत्री ग्लेशियर से आ रही है। इसका पानी बिल्कुल नीला हरा कलर का होता है, बिल्कुल ऐसा ही। बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टीज है इस पानी में, मतलब अमृत ही है एक तरीके से। चलो भाई अब यहाँ से अपने को बढ़ना है आगे। अब अपन सबसे पहले आएगा श्रीनगर, और उसके बाद आएगा धारी देवी टेम्पल, जो कि जिसकी बहुत मान्यता है उत्तराखंड में, और उनको बोलते हैं प्रोटेक्टर ऑफ उत्तराखंड, तो वो हाँ धारी देवी, तो उनके दर्शन करेंगे और फिर आगे चलेंगे चोपटा की तरफ। तो इसलिए अपने को करीब करीब 5-5:30 बज जाएंगे चोपटा पहुँचते हुए होटल तक। भाई देवप्रयाग के बाद एकदम से ट्रैफिक हो गया, बिल्कुल शून्य के बराबर, गाड़ियां बिल्कुल ही नहीं दिख रही हैं, और दिल्ली नंबर की तो कोई गाड़ी दिखी ही नहीं है देवप्रयाग के बाद। वहां देवप्रयाग तक तो भीड़ थी काफ़ी, अब इसके आगे देखो चार धाम की यात्रा शुरू होगी नेक्स्ट वीक, तब एकदम से भीड़ बढ़ जाएगी, अभी तो नहीं है बिल्कुल भी। और रोड्स काफ़ी सही हैं, बट हाँ लैंडस्लाइड भाई बहुत हो रखी है, क्योंकि पहाड़ काटे भी हुए हैं और कुछ हो रखी है लैंडस्लाइड। अब अपन भाई लंच करने के लिए जुगाड़ ढूंढते हैं, कुछ नॉर्मल सा ढाबा वाबा मिल जाए, दाल रोटी खाते हैं, भूख लगी हुई है। रात को 2 बजे के उठे हुए हैं, 12 बज गए हैं ऑलमोस्ट, 8 घंटे में देवप्रयाग पहुंच गए दिल्ली से हम। और भाई ये देखो ये गाड़ी भाई साहब ख़त्म है बिल्कुल भाई, इस गाड़ी में भी कोई नहीं बचा होगा, ये तो गिर गई लग रहा खाई में इधर नहीं। ये रावत भोजनालय है, बढ़िया साफ सुथरा, ये खड़ी है अपनी गाड़ी। थैंक यू भैया, आ गई भाई अपनी थाली,
निपटा दो भाई फटाफट, घर जैसा खाना और मौज में रहना। जम के खाया भाई साहब, बिल्कुल घर जैसा खाना। और ये देखो स्टील का क्या बढ़िया सा कप बनाया हुआ है यार, मस्त चाय पी लें अब एकदम से। सही बताऊं तो भाई नशा सा हो गया है और अभी बहुत दूर जाना है, 100 किलोमीटर पार होगा, 100-110 किलोमीटर बचा हुआ है अभी, तो बहुत दूर है भाई, शाम हो जाएगी मुझे अब लग रहा है, एस्टिमेट 5:30 बज जाएंगे, बाकी देखते हैं भाई। भाई यहाँ खाया था खाना, रावत फैमिली रेस्टोरेंट, बढ़िया घर का खाना था, जैसा होता है ना बिल्कुल वैसी दाल थी, तवा रोटी और चावल मस्त, वॉशरूम भी साफ है। और देवप्रयाग क्रॉस करते ही मेरे घर में 5-7 किलोमीटर आए होंगे मैक्सिमम, बढ़िया था। चलो अब यहाँ से हम डेस्टिनेशन लगा लेते हैं धारी देवी टेम्पल का, अराउंड 40 किलोमीटर है। श्रीनगर पहुंच गए भाई, टाइम हुआ है 1:35, सही टाइम से पहुंच गए श्रीनगर, बिल्कुल आराम से आए हैं, कोई ओवर स्पीडिंग नहीं, रुकते रुकाते चाय वाय पीते मस्त। भाई ये देखो लेवल, क्या नजारे हैं, अलग ही लेवल, इतना पानी हदी हो रखी है भाई, ऑसम। अभी हम धारी देवी टेंपल पहुंचे नहीं है, आई थिंक अराउंड 10-11 किलोमीटर बचा है, बट भाई कितना ज़बरदस्त लग रहा है यार, कमाल लग रहा है, और आगे बारिश के बादल भी लग रहे हैं मज़ेदार, बट भाई व्यू देखने लायक है, अलकनंदा नदी का, वाह वाह मज़ा आ गया भाई, ऑसम। चलो भाई 10 किलोमीटर रह गया धारी देवी, भाई पहले दर्शन हो गए धारी देवी टेंपल के, वो दूर दिखाई दे रहा है, देखो 3x जूम करता हूँ, ये रहा अलकनंदा रिवर के बिल्कुल बीच में बना हुआ है, ये रहा धारी देवी मंदिर, और इनको बोला जाता है प्रोटेक्टर ऑफ उत्तराखंड, और ये मूर्ति यहाँ से शिफ्ट नहीं करनी है, ये तभी रिवर के बीच में ही है, एक बार इसको शिफ्ट किया था 15 जून 2013 में, और उससे नेक्स्ट डे केदारनाथ में सैलाब आ गया था भाई, इसको चलते हैं भाई बोल के जय माता दी, जय माता दी भाई, ये उतरते वक्त तो गुरु ठीक है ये चढ़ते वक्त इसमें बहुत मेहनत लगेगी, कहीं ब्रेक ना दब जाए तो खेल हो जाएगा, उतरते वक्त तो ठीक है ब्रेक्स हमारे नए हैं, चढ़ते वक्त देखते हैं। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ चलो यहाँ तो काफी चौड़ा है, ठीक है यहाँ भाई, बुलेरो तो चढ़ जाती है, बुलेरो में टॉर्क बहुत इंस्टेंट आ जाता है, एक अपनी में है टर्बो लैग, ऑफ रोडिंग कर लेते हैं अच्छे से। हाँ उस बंदे ने बोला भैया क्या कर रहे हैं तुम नदी में उतार, अबे साले नदी में उतार रहे गाड़ी, बहुत मेहनत लगेगी भाई। जहां तक गाड़ी जाएगी वहां तक लेके जाएंगे, पार्किंग बनी हुई है मंदिर के पास। भाई काफी संकर है, पंगा तब आए जब दूसरी कोई गाड़ी आ जाए सामने से, तब इशू है, एक गाड़ी के लिए तो ठीक है, देखना अपनी साइड देखना। हाँ ले ले, मुझे बहुत जगह है, बहुत ना लग जाए टायर हवा में हो गया था भाई, मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।
पूरी टेढ़ी हो गई थी गाड़ी। इजी तो नहीं है भाई ये। पहुंच गए भाई माता के मंदिर दी प्रोटेक्टर ऑफ उत्तराखंड, प्रोटेक्टर डाइटी ऑफ उत्तराखंड। भाई क्या व्यू है, बिल्कुल ही रिवर के लेवल पे आ गए हम तो। बहुत ज्यादा ब्रेकिंग यूज हो रही है भाई। वहां से पैदल है जो ऊपर से दिख रहा है ना वो। बिल्कुल रिवर के लेवल पे आ गए हैं। ये पोलो निकल गई, यहाँ लगा देंगे, यहीं से हमारी गाड़ी भी घूम जाएगी। फिर क्या जगह पहुंचे हैं भाई। अच्छा यहाँ पे भी घाट सा बना रखा है। दो दे दो। ये रहा भाई धारी देवी मंदिर। गाड़ी की पार्किंग कर दी है अपनी यहाँ पे। ये ले लो। मस्त। हाँ चलो प्रसाद ले लिया है। अब भाई अगर मैं आपको स्टोरी बताऊँ तो धारी देवी टेम्पल को बोल, धारी देवी माता को बोलते हैं प्रोटेक्टर ऑफ उत्तराखंड। तो और ये काली माता का रूप है, स्वरूप है। और अपर बॉडी इनकी यहाँ पे की पूजा होती है, फेस की पूजा होती है। और भाई ये मूर्ति मान्यता ऐसी है कि ये मूर्ति ना यहाँ प्रोटेक्ट करती है। तो एक बारी गवर्नमेंट ने डैम प्रोजेक्ट के लिए इसको यहाँ से मूव कर दिया था 15 जून 2013 को। और भाई 16 जून को सबको पता है 2013 में केदारनाथ में आ गए थे, फ्लड क्लाउड बस्ट हो गया था। तो वो एक कोइंसिडेंस था या क्या था किसी को नहीं पता, बट सब यही लोकल यही मानते हैं कि ये प्रोटेक्ट करती हैं, इसलिए फिर मूर्ति को वापस से यहीं रख दिया था फिर से। और पैदल यहाँ से कहीं से आ रहा है, ये रहा भाई मंदिर। और भाई एक और मान्यता है कि इन माता को ना ऊपर में रहना पसंद था। तो इनकी ऊपर जहाँ पे मूर्ति है उसके ऊपर रूफ नहीं है, वो सीधे आसमान की छाया में है। और ये कुछ नज़ारे हैं भाई, ज़बरदस्त मस्त लग रहे हैं। देखो पानी कैसे शाइन कर रहा है सनलाइट में, ज़बरदस्त। जय माता दी, जय माता दी। भाई अंदर तो कैमरा लोड नहीं हुआ, दर्शन करते हैं बढ़िया से। फिर ब्रिज पे भी चलेंगे एक बारी, मस्त हवा चलती है। मौसम बढ़िया नहीं है, बस गर्मी है। अगर यहीं बारिश हो जाए तो मज़ेदार मौसम हो जाएगा, फिर मज़ा आएगा ड्राइव में। चलो भाई हो गए अपने दर्शन, 10 मिनट लगे हैं दर्शन में तो मात्र। अब मेन काम है गाड़ी चढ़ाना यहाँ से। ले तो आए थे, अब चढ़ाने में और मेहनत लगेगी। अच्छा देखो फन है अब। दो घंटा 11 मिनट है यहाँ से। एक्चुअल में क्या गवर्नमेंट को डैम का प्रोजेक्ट था, 2013 की बात है। उन्होंने डैम के लिए ये मंदिर, ये जो अंदर मूर्ति थी ना जिसके अभी हमने दर्शन किए, उसको शिफ्ट किया था साइड किसी और टेंपल में पास में कर दिया था। यहाँ के गांव वाले सब मना कर रहे थे कि भाई ये प्रलय आ जाएगी, क्योंकि ये माता प्रोटेक्ट करती है पानी से सारे रीजन को। तो तभी धारी देवी नाम है इनका, धारा को से प्रोटेक्ट करती है ना। तो उन्होंने मानी नहीं गवर्नमेंट ने कि अरे ये तो गुफा वाली बातें हैं। तो उसके 15 जून 2013 को मूर्ति शिफ्ट की थी, 16 जून को केदारनाथ में क्लाउड बस्ट आ गया था, हो गया था, और फ्लड्स आ गई थी और पता नहीं कितने हजार लोग मरे थे। तो फिर उसके बाद गवर्नमेंट को समझ में आ गया था भाई ये ऐसे ही नहीं बोल रहे गाँव वाले बंदे, तो इसको फिर से वापिस यहीं पे स्थापित कर दिया था। उसके बाद पता नहीं कितने दिन बाद बट कर दिया था तुरंत ही। तो अब और ऊपर से देखा ना रूफ नहीं है इस मूर्ति के,
क्योंकि माता को ओपन में रहना पसंद था। चढ़ी गई थी ऑलमोस्ट। सेकंड गियर पे डीजल गाड़ी में ज़्यादा टॉर्क आता है ना,